भारी संख्या में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में लोग जुड़े, सभी को सौंपी जिम्मेदारी। यूपी के रामपुर में आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन साजन मंडल में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारी व व्यापारी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर संगठन के विस्तार की कड़ी में दूसरे संगठनों से त्याग पत्र देकर युवा के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा जी सहित 32 पदाधिकारियों को संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर व्यापारी समाज को मजबूत करने व सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य सम्मानित भी किया गया व नव मनोनीत सभी लोगों ने एक दूसरे को फूलमाला डालकर स्वागत भी किया। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने सभी का सम्मान किया और पदाधिकारियों व जिलाध्यक्ष को मनोनीत पत्र देकर उनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी। वहीं संदीप अग्रवाल सोनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक भाईचारा कार्यकर्ता सम्मेलन हमने आज यहाँ पर आयोजित किया है और जिसके अंतर्गत जनपद रामपुर के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आज उपस्थित रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नीति से हमारे सभी समाजों के लोग आज हमारे उपस्थित रहे। इस अवसर पर हमने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल छोड़कर साथी त्याग पत्र देकर आए हमारे साथी हमारे मौजूद हैं श्री राजीव गुप्त शर्मा जी, इनको युवा व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष बनाया गया मनोनीत किया गया है। सर्वसम्मति से पूरा चुनाव हुआ और विधिवत प्रणाली से इनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी साथियों ने इनका माल्यार्पण करके स्वागत किया। इनकी पूरी कार्यकारिणी 35 लोगों की कार्यकारिणी के साथ सभी का स्वागत यहाँ पर किया गया है। श्री राजीव अग्रवाल जी उनको जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। संजय गर्ग जी उपाध्यक्ष हैं, हंसराज अरोरा जी, विनीत जी सब लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस भव्य कार्यकारिणी को पूरे जनपद के अंदर इस तरीके से डटाया गया कि जनपद के अंदर एक क्रांति होगी और ये लोग जनपद के चप्पे चप्पे में एक एक गाँव पर, एक एक ब्लॉक पर, एक एक तहसील पर व्यापार मंडल खड़ा करेंगे और व्यापारी समाज की वो ताकत नजर आएगी कि राजनेता लोग भी देखते रह जाएंगे कि व्यापार मंडल क्या ताकत है। अच्छा, व्यापार जो है बहुत बुरी जो है स्थिति में है और लोग बड़े परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम बहुत ही जल्दी कलेक्ट्रेट पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि देश की जो GDP डाउन है उसको उठाने के लिए हम लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स के कड़े प्रोविजन में छूट होनी चाहिए, ताकि भारत सरकार में जो बजट पास करने जा रही है केंद्र सरकार, उसके अंदर इनकम टैक्स के प्रोविजन में इतनी छूट मिल जाए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए कि हमारे देश में भारत देश पूरे वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बनकर विकसित हो। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हमारे देश के लिए और हमारा प्रयास है। और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था अगर कोई बढ़ा सकता है तो व्यापार मंडल बढ़ा सकता है। इसीलिए हम जनपद के कोने कोने पर, देश के कोने कोने पर लघु उद्योग बढ़ा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं और दुकानों के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से भारत देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में व्यापार मंडल लगा। जय व्यापारी, जय व्यापारी।